खबर लखनऊ से, जहां योगी सरकार का बड़ा फैसला देखने को मिला। यूपी के 7 जिलों में गिराए जाएंगे कलेक्ट्रेट और तहसील के भवन। जौनपुर, फतेहपुर, इटावा, हरदोई में गिराए जाएंगे भवन। अलीगढ़, वाराणसी के जर्जर भवनों को गिराने का काम किया जाएगा। इन भवनों को गिराए जाएंगे और साथ ही 2.10 करोड़ यानी 2 करोड़ 10 लाख रुपए सरकारी खजाने में जमा किया जाएगा। 2 करोड़ 10 लाख रुपए बताया जा रहा है कि सरकारी खजाने में इसे जमा किया जाएगा और साथ ही कई ऐसे भवनों को गिराने का काम किया जाएगा जो कि बेहद ही जर्जर स्थिति में इस वक्त है। तो योगी सरकार का एक और बड़ा फैसला, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। यूपी के 7 जिलों में गिराए जाएंगे कलेक्ट्रेट और तहसील के भवन। जौनपुर, फतेहपुर, इटावा, हरदोई में गिराए जाएंगे भवन। जो जर्जर अवस्था में इन भवनों को पाया जाएगा तो उसे गिराने का फैसला लिया गया है। अलीगढ़, वाराणसी के जो जर्जर भवन बताए जा रहे हैं उन्हें गिराने का काम किया जाएगा। साथ ही इन भवनों को गिराए जाने के बाद से 2 करोड़ 10 लाख रुपए जो कहा जा रहा है उसे सरकारी खजाने में शामिल किया जाएगा। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जब यूपी के 7 जिलों में कलेक्ट्रेट और तहसील के भवनों को गिराने का काम किया जाना है। जौनपुर, फतेहपुर, इटावा, हरदोई में इन भवनों को गिराया जाएगा। अलीगढ़, वाराणसी के जर्जर भवनों को गिराने का काम किया जाएगा और इन भवनों को गिराए जाने से मिलेगा 2 करोड़ 10 लाख रुपए सरकारी खजाने में जमा किया जाएगा। 2 करोड़ 10 लाख रुपए। इस पर अधिक जानकारी के लिए आलोक राय हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक, आपसे जानकारी चाहेंगे कि जर्जर अवस्था में जो भवन मौजूद है उन्हें गिराने का फैसला यूपी सरकार की तरफ से लिया गया है, तो आखिर इस फैसले को लेकर और क्या कुछ अपडेट आपके पास है वो जानकारी दीजिए। देखिए, ये 7 जिलों में जो है कलेक्ट्रेट और तहसील के जो बिल्डिंगें थी वो जर्जर अवस्था में पहुंच चुकी थी। हालांकि अभी इनकी जो अवधि है, जो उम्र होती है बिल्डिंगों की जर्जर होने की, वो पूरी नहीं हुई थी, लेकिन बावजूद इसके चूंकि इनकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, ये कभी भी गिर सकते थे जिससे जान माल की क्षति हो सकती थी, इसीलिए यूपी सरकार ने और मुख्यमंत्री ने बड़ा फैसला लिया है और कैबिनेट बाय सर्कुलेशन के जरिए इन भवनों को ध्वस्त करने की अनुमति दी है। अब इन भवनों को ध्वस्त किया जाएगा और उससे जो मटेरियल निकलेगा उसकी बिक्री होगी, उससे जो पैसा आएगा वो सरकारी खजाने में जमा होगा। साथ ही साथ यहाँ पर अब नए भवन बनाए जाएंगे। तो कुल मिलाकर एक बड़ा फैसला सरकार ने जनहित को देखते हुए लिया है, ताकि ऐसी बिल्डिंगों से गिरने से किसी तरह का जो है जान माल की क्षति ना हो, इसलिए इनको जो है ध्वस्त करने की सरकार ने कैबिनेट बाय सर्कुलेशन से अनुमति दे दी है। अब जल्द ही इनको गिरा दिया जाएगा और इसके स्थान पर नए भवन बनाए जाएंगे इन सभी 7 जिलों में। जी ठीक है, शुक्रिया हमसे जोड़ने के लिए आलोक।